आज के भी दिन जो है मैंने अपने बेबी का नाम किया हुआ है। अभी हमारी बेबी आ रही है और फिर हम चलते हैं टॉय पे। यो ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा। उड़ता ही फिरूं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दूसरे व्लॉग में आप सबका तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ एंड थैंक यू सो मच, आपने पहले व्लॉग पे इतना प्यार दिया और अब से मैं रेगुलर रहूंगा जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं व्लॉग करता रहूंगा। अभी हम हर हफ्ते में एक डालेंगे, पूरी उम्मीद है। पहले हर दिन का लेता है और चलेगा। आज के भी दिन जो है मैंने अपने बेबी का नाम किया हुआ है क्योंकि बेबी मेरी यहाँ कुछ ही दिनों के लिए है। तो आज मेरी बेबी के साथ दिन टाइम में कुछ कमिटमेंट हुई थी और कमिटमेंट ये थी कि आज आयशापी को हम लोग ड्राइविंग सिखाएंगे क्योंकि आयशापी ने जाना है चाइना, वहाँ पे उनको लाइसेंस लेना होगा। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना आना, उनको परेशानी ना हो लाइसेंस की, तो कुछ ड्राइविंग यहाँ पे सीख ले ताकि वहाँ जाके परेशानी ना हो। आज आयशापी से हमारी डील हो गई है और मेरा बेबी अभी आने वाला होगा। मैं घर के बाहर आ तो गया हूँ, मैं बल्कि सीट चेंज कर लेता हूँ ताकि वो आए तो परेशानी ना हो। एक कॉल कर लेते हैं, अभी तक आई नहीं है महारानी साहिबा। जी अभी बेबी आ जाए, बाहर खड़ा हूँ बेबी। मैं तो बाहर खड़ा हूँ यार, आ जाओ यार बाहर यार यार मैं। तो जी अभी हमारी बेबी आ रही है और फिर हम चलते हैं टॉय पे। यो किधर किधर सोने हो, कितने बेबी अपनी जगह पे आए। आज हमारी ड्राइविंग क्लास है बेबी। ओए आयशा, नहीं गाड़ी बोलने लगी है, तू बाहर चलिए गाड़ी से। तो जी आयशा आपी हमारे पास आ चुकी हैं और हमसे डर बहुत नहीं है, पता क्या बात है। डरो मत आयशा आपी, आपके पांव पोंछ रहे हैं। नहीं छोटे लोग बैठ तो गए गाड़ी में। आयशा आपी जो राइट साइड पे आपका है ना, इसको कहते हैं एक्सेलरेटर। ब्रेक दबाने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाओ। अच्छा वाह भाई वाह, गाड़ी स्टार्ट, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, सबसे पहले बस 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 खोता रेडा नहीं चला रहे हम, ज्यादा रेसे नहीं, ठीक है समझ गया। इंडिकेटर बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इंडिकेटर नहीं दोगे तो कोई ना कोई बंदा आपके अंदर गाड़ी आके मार जाएगा, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और इसको डीप ले आओगे। तो जी अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जाने दो, ठीक है, अब आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना। क्या बात है कि गाड़ी चलने लग गई है तुम्हारी, सामने सामने में भी आपने यहाँ नहीं देखना। बाकी से हम लोग यहाँ से राइट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग मेन रोड पे आ जाएंगे। बस अब आपने ये देखना है कि आपने किसी भी तरीके से ना अपनी लाइन नहीं आउट करनी, ठीक है, जहाँ आपने लाइन आउट की बस वहाँ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। Do you get it, baby? Yes, baby. Yes, baby. Okay, baby. इसका स्टीयरिंग ऐसा स्टील रखो, यहाँ वहाँ करते रहोगे तो कहीं ना कहीं लग जाएगी। बस ब्रेक पे पाऊं, ब्रेक पे पाऊं, ब्रेक पे पाऊं, ब्रेक पे पाऊं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ठीक है, जाने दो, इतना भी पाऊं नहीं देना, थोड़ी चलने भी दो से। राइट का इशारा लगाओ, नीचे नीचे आने दो इसको। नहीं ये लाइट्स हेडलाइट्स ऑन होती है ऐसे। हाँ इसको नीचे आने दो। क्या बात है जी, क्या बात। अब आगे से फिर अपने राइट ले लें ताकि मेन रोड पे हो जाए, ठीक है, जाने दें, जाने, घबराना क्यों। सबसे पहले घबराना नहीं, ड्राइविंग जो है वो नाम है सिर्फ कॉन्फिडेंस का। जहाँ आपका लैक हुआ वहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ और जहाँ आपका ओवर हुआ वहाँ भी एक्सीडेंट हुआ। कैसे लग रहा है आशा गाड़ी ड्राइव करके? मजे के लग रहा है। एक बात बता दूं, चाइना में रूल्स की बहुत स्ट्रिक्टनेस है। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी, आहिस्ता गाड़ी, आहिस्ता गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता, ब्रेक ब्रेक पे राइट का इंडिकेटर दो। हाँ मोड़ो गाड़ी, वेरी गुड वेरी गुड, बस ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, बस बस इसको घुमाओ वापस इस तरफ। हाँ घुमाओ घुमाओ घुमाओ, वेरी गुड। अब इन व्हाइट लाइंस के अंदर चलाना है, ठीक है, इनसे बाहर नहीं जानी चाहिए गाड़ी। जो व्हाइट लाइन पसंद आती है ना उसमें चलाओ। वैसे जो है ये जो लास्ट लाइन होती है ट्रक्स की और हैवी व्हीकल्स की होती है, हमें मिड में रखना चाहिए। आयशा गाड़ी तो सीख ही गया, तो लाइसेंस चाइना वाले एक ही दिन में दे देंगे। वो तो कहेंगे चूचू मुझे हमारे पास हमारी कौम की आ गई है। उतर, 40 उत्ते स्पीड नहीं जानी चाहिए। हाँ दिस इज लव। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आशा देख मेरी बात सुन, ये गाड़ी है आगे ट्रक आ रहा है, जा रहा हूँ, ठीक है। अगर स्टीयरिंग पे हाथ आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे उड़ाएं, इसको प्यार से चलाओ। जब आप इसको प्यार से चलाओगे ना तो फिर ये गाड़ी भी आपको प्यार से रखेगी। ऐसे बातों की बात आशा आपकी, अच्छी बात यह है कि आपने सीट बेल्ट भी लगाई हुई है। नहीं लगाई हुई, इस पे चलान है। चलें भाई आशा आपकी स्पीड लगा दें फिर थोड़ी सी। ये नहीं करना, ये कटिंग नहीं करनी कभी भी रोड पे। गाड़ी एक जगह स्टील रखनी है हमेशा। स्पीड ब्रेकर आहिस्ता। अब यहाँ से हमने यू टर्न लेना, राइट का इशारा लगाओ। जब भी आपने गाड़ी मोड़नी है तो आपने ये याद रखना है कि आपने गाड़ी राइट पे ले जानी है। मोड़े आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये येलो लाइन का ख्याल करना है, थोड़ा सा ऊपर जाने दे। हाँ ठीक है जाने दे, दे दे रेस दे। हाँ बस अब आपने ऐसे यहाँ से निकाल लेनी है, इसको ऐसे सीधा भी करना है बेबी, बिगड़ के भूल जाती है आप। आपने आयशा आपकी आज की गाड़ी मारे ही मारे। रेस करूं फिर? देख मेरी बात मुझे है जिंदगी बड़ी प्यारी, तेरी यानी अभी भाभी। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है तेरी भाभी की। उसको लंगड़ा लुला दिल मुर्जा मिला तो क्या मिला, ठीक है। नहीं हम भाभी का कुछ और सोच लेंगे।
लेकिन आशा भी ये क्या तरीका है, मतलब भाभी भी बनाओगे, सोचोगे उसके लिए कुछ और, ये कैसी भाभी है जिसको दिन मुर्दा ही नहीं देना है। जिंदगी मौत की तो टेंशन ही नहीं है, मौत आ जाए तो क्या ही बात है, तो अल्लाह पाक से मिलन का समा है और वो सब कुछ अच्छा है। गजब बेइज्जती है, सच्चाई की पुजारन बस कभी गुरूर नहीं किया, बनता भी नहीं अभी भी। पूरा रोड खाली है, कोई भी नहीं है। तो बीबी खाली रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। वैसे यार ये कितना प्यारा व्यू है, हाय मेरी गाड़ी का थोड़ा व्यू प्यारा नहीं है, मेरा बेटा जो है ना उसको काफी दिनों से मैंने लगाया नहीं है, अब जाएगी ये जाएगी बीबी अपने वॉश पे जाएगी। वाह भाई वाह शापी, क्या बात है जी, शापी एकदम रेस देती है। अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, अच्छी ड्राइविंग हो जिसके साथ बैठने से पता ना चले रेस कब दी है, तो इसकी रेस एकदम नहीं देते होते ऐसे। वो देखो आशापी जू आ गया, चलो भाई आशापी का घर आ गया, भाई आशापी का घर आ गया। सॉरी बेबी, स्पीड ब्रेकर पहले नजर नहीं आता आपको? नहीं मैं बातों में मसरूफ हूं। ना मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप गाड़ी चलाएं, ये गाड़ी कहीं लगनी नहीं चाहिए, जिंदगी में जो बेबियां हैं वो एक दो ही हैं और ये मेरी बेबियों में से एक है, जान का टुकड़ा है। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ रहा है फिर? क्या बात है जी, ऐसे पहली दफा गाड़ी में बैठा हूँ, मजा ही आ गया। कभी आशा भी घुमा के यहाँ लेके जाती है, कभी आशा भी घुमा के यहाँ लेके आती है, कभी स्पीड ब्रेकर ऐसा पटाख लगता है। मेरे जाने के बाद ये याद करोगे? तो इसने मुझे सुबह से याद करवा करवा के मारा हुआ है कि मेरे जाने के बाद ये याद कर। बेबी मैं भी आपके पीछे आ जाऊंगा, आपको किसने कहा मैंने यहाँ पाकिस्तान में रहना है। इसी के साथ आज हमारी जो है ना वो ड्राइविंग क्लास खत्म होती है, दुआ करना मैं इसको खैर करियत से का। बेबी खैर करियत से जाएंगे, आपने ना तो ब्लॉग में देखना ना बोलना, आपने सिर्फ और सिर्फ लाइन देखनी, चिट्टी लाइन से ना आओ ना वाओ, ये चिट्टी चिट्टी के अंदर चलती रही हमारी गाड़ी। यार ऐसा नहीं कर यार, यार अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर मार दो, अपना प्यार देते रहो, ऐसे थोड़े बहुत लाइक शेयर मार दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि ना मेरा दिल करे और ब्लॉग करने का। आई लव यू। ओए कितना प्यारा है ये, रुको यार मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जाने दे जाने दे। अच्छा शॉपी मैं कहता पीछे मुड़ो ना जरा उसके पास, पीछे कैसे जाएगी बेबी? ब्रेक लगा दी आपने, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा, ऐसे नहीं लगाते होते ब्रेक यार। अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाने दे, आहिस्ता आहिस्ता, रेस ज्यादा नहीं देनी बेबी, जाने दे पीछे जाने दे, बस बेबी यहीं गाड़ी रोके। पता मेरा बचपन से दिल था कि किसी ऐसी जगह पे जो बंद कर दूं ताकि ना को 50-100 साल बाद लोग कहें ओए इस हवेली में मत जाना। एक है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरा बड़ा दिल था कि किसी दिन ऐसा कोई व्लॉग करूं, तो आज वो शायद मौका मिल भी गया कि जब मुझे जो है ना ये सब चीजें विजिट करवाने का आपको मौका मिल गया, कि आप लोगों को दिखाने का मौका मिल गया कि यहाँ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, तो ये मेरे दिल के काफी करीब है जगह। कभी कभी रात में यहाँ बैठ के हम घंटों बातें करते होते हैं क्योंकि आजकल घर में तो कोई होता नहीं। Couple hits, a couple stones, but